हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कौन से टॉपिक की, गॉस के नियम के तीसरे अनुप्रयोग को। वो तीसरा अनुप्रयोग क्या होने वाला है? वो तीसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बड़ी हेडिंग देख के नहीं डरना है डियर स्टूडेंट, इतनी चुटकियों में इसको आप सीखोगे, चुटकियों में अभी इसको डेरिवेशन इसकी क्या है क्या नहीं है सब जान जाओगे। पर उसको जानने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक अपना काम कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और नए चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कर लिए उम्मीद करते होंगे आप कर लिए होंगे। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है धमाल मचाने वाली क्या है? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहीं मत जाना, इसी के बाद इसी के क्लास में एक हेडिंग और जानने वाले हो, एक टॉपिक की चर्चा और चलने वाली है। तो आइए हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक आवेशित चालक प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक आवेशित चालक प्लेट लेते हैं। तो सब मानते हैं कि ये कोई एक क्या हो गया, आवेशित चालक प्लेट हो गया। ठीक, ये कोई आवेशित चालक प्लेट हो गया जिसके दो पृष्ठ हैं। एक तो ये पहला पृष्ठ हो गया, ये पहली लाइन, ये जो है दूसरा पृष्ठ हो गया। अब इस पे हम लोगों ने क्या दिया, चालक का करा है, आवेशित चालक है ना भैया, तो इसको हम लोग आवेश देंगे। तो हमको पता है कि किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश जो होता है वो चालक के बाहर पृष्ठ पर फैल जाता है, अंदर नहीं जाता, वो चालक के बाहर ही फैला रहेगा। तो भैया जब हम लोग इसको आवेश देना स्टार्ट किए ना, तो मान लेते हैं धनावेश दिए, तो ये चालक के बाहर तरफ जाके बैठ गए, ये अंदर नहीं गए, इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ये चालक के बाहर जाके बैठ गए। और एक बात, चालक के अंदर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, चालक के अंदर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात इतनी समझ में आई। अब देखिए, माना कोई आवेशित चालक है जिसके दो पृष्ठ, एक पहला और एक क्या है दूसरा, दो पृष्ठ मान लिए गए। कोई दिक्कत भैया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब आगे समझिएगा। अब हम लोग मानते क्या, आगे कह रहा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं इस चालक से r मीटर की दूरी पर, इस चालक से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना। दूसरी बात है, इस चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। इधर का भी चालक के बाह्य क्षेत्र में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी दोनों तरफ का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। तो इस पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो क्या आपने बनाया, आपने बनाया ना कि माना कोई आवेशित चालक है, माना कोई आवेशित चालक है, ठीक भैया, आवेशित चालक है जिसके, जिस पर, या ऐसे लिख सकते हैं, आवेशित चालक है जिसके बाह्य क्षेत्र में, जिसके बाह्य क्षेत्र का पृष्ठीय आवेश घनत्व, बाह्य क्षेत्र का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है भैया, सिग्मा है। इतनी बातें समझ में आई। माना कोई क्या है, आवेशित चालक है जिसके बाह्य क्षेत्र में एक, बाह्य क्षेत्र का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। ठीक, तो चालक से, चालक से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु का है P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बातें आप समझे, क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप अब समझिए जरा सा, इस जो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब आप करेंगे क्या, एक मिनट के लिए इमेजिन सोचिए कि ये जो
दूसरा वाला जो प्लेट है, ये दूसरा वाला प्लेट है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश जीरो क्यू जीरो की कल्पना करते हैं। तो ये जो दूसरा वाला प्लेट है इस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। तो ये दूसरा वाला प्लेट इस पर क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो मानते हैं दूसरे वाले प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन थी, ई टू। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू की दिशा इधर हो जाएगी। अब एक मिनट के लिए सोचिए, इमेजिन करते हैं कि एक समय के लिए दूसरा वाला प्लेट नहीं था, ये जो दूसरा वाला जो पृष्ठ है ये नहीं है, प्लेट नहीं, दूसरा जो पृष्ठ है ये नहीं है। तो ये इस पर भी तो प्लस आवेश है, ये भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसके द्वारा भी लगने वाले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर के ही तरफ होगी। दोनों एक ही दिशा में होंगे, और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इन दोनों की परिणामी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये बातें समझ में आई, ये कैसे हुए, हमने इमेजिन किया, कल्पना किया कि एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो को रखा, तो ये भी इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, अतः बिंदु P पर जो परिणामी होने वाली है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बातें समझ में आई, आइए हम लोग E1 और E2 को निकाल, E2 किसके कारण है, प्लेट दो के कारण, E1 किसके कारण है, प्लेट एक के कारण। तो लिखेंगे प्लेट, या ऐसे लिखते हैं पृष्ठ, पृष्ठ फर्स्ट के कारण, के कारण उत्पन्न, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने निकाला था किसी भी प्लेट के कारण या चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, तो E1 बराबर हो गया सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर एक। इसी तरह क्या निकालेंगे हम लोग, इसी तरह क्या निकालेंगे, पृष्ठ दो के कारण, पृष्ठ सेकंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है भैया, E2 है, कौन है, E2। E2 बराबर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर क्या हो गया, दो हो गए। अब क्या करेंगे भैया, हमको क्या निकालना है, हमको तो P पर परिणामी निकालना है। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं, E बराबर दोनों एक ही दिशा में, इसलिए परिणामी जुड़ जाएगी, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। समीकरण एक और दो से क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण एक से E1 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान रखेंगे तो सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। तो हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो सिग्मा सिग्मा जुड़ के हो गया टू सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई बराबर आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, प्यारे बच्चों, आपको जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी प्लेट किसी भी आवेशित प्लेट के कारण, आवेश जब समान रहेंगे दोनों पृष्ठों पर तो जो परिणामी होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर। जैसा कि दूसरे आपका दूसरा टॉपिक क्या है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट, देखिए समान पृष्ठ घनत्व की बात समझिएगा, यानी इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व, दोनों का समान होने वाला है। इतनी बातें क्लियर हुई, समान पृष्ठ घनत्व के निकट धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों, तो समांतर एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, तो बीच वाला बिंदु मानते हैं इसके प्लेटों के बीच बिंदु P है, और प्लेटों के बाहर बिंदु का है P डैश, ध्यान से समझिएगा, प्लेटों के बीच बिंदु P, प्लेटों के बाहर बिंदु क्या है, P डैश, P डैश यहाँ नहीं, आप यहाँ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेटों के बीच बिंदु P है और प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश है, जिस पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आया, जो आपने डायग्राम बनाया था, अरे जो बनाया तब लिखिए क्या देख रहे हैं, आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना,
दो समांतर प्लेटें ए और बी हैं, माना दो समांतर प्लेटें ए व क्या है बी है, इतनी बात समझ आई ठीक। तथा जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या है सिग्मा है, देखिए दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तथा ठीक, या मान और मान लेते हैं, माना प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए है तथा बी के कारण ई बी है, इतनी बातें समझ में आई। अरे भाई साहब, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे दो चीज़ों पे, एक तो प्लेटों के बीच, एक प्लेटों के बीच एक प्लेटों के बाहर निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं प्लेटों के बीच और प्लेटों के बाहर। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच। तो यहाँ नया टॉपिक बदलते हैं, क्या निकालने चल रहे हैं। पहला पॉइंट प्लेटों के बीच ठीक, प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P पर। तो ध्यान समझिएगा, प्लेटों के बीच। अब देखिए, इस पे हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक परिक्षण आवेश Q0 रहा होगा। क्या रहा होगा? परिक्षण आवेश Q0। अब ये जो प्लस वाला है वो क्या करेगा कि इसको इधर की तरफ ठेलने का प्रयास करेगा, यानी इसके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसकी दिशा ई ए हो गया। पर ये जो माइनस वाला प्लेट है वो भी सोचेगा, वो क्या करेगा, ये प्लस है ना, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, यानी ये भी सोचेगा कि ये आ जाए भाई साहब, ये मेरे पास आ जाए, इसके कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों एक ही दिशा में है, तो प्लेटों के बीच जो परिणामी है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसके अपोजिट आते हैं प्लेटों के बाहर क्या होगा, इमेजिन करते हैं कि ये ऋण वाला प्लेट ना रहा होता, तो इस पर एक परिक्षण आवेश रखते Q0। पर जब ये ऋण प्लेट ना रहा होता तो ये प्लस वाला क्या करता, प्लस वाला इसको भाई साहब इधर की तरफ ठेलने का प्रयास करता, यानी इसके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होने वाली है। ये बातें समझते चलिएगा। फिर इमेजिन करते हैं कि धन वाले को छोड़कर ऋण वाला होता, तो ऋण वाला क्या करता, ऋण वाला सोचता कि भाई साहब तू मेरे पास आ, ये अपनी तरफ बुलाने का प्रयास करते, तो ये इधर की तरफ खींचने का प्रयास करते, इनकी दिशा क्या हो गई, ई भी हो गई। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, अपोजिट हो गए। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो परिणामी घट जाएगी, बाहर बिंदु P डैश पर परिणामी घट जाएगी और मध्य बिंदु P पर परिणामी जुड़ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फार्मूला हम लोग उपयोग करने वाले हैं ठीक, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार प्लेट ए के कारण निकालेंगे। सबसे पहले प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, ई ए है। तो ई ए बराबर वही फार्मूला, सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ठीक। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, एक। इसी प्रकार प्लेट बी के कारण निकालेंगे, प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। वही सब कुछ है,
समीकरण नंबर क्या निकाल लिए, दो। अब हम लोग निकालेंगे प्लेटों के बीच, तो प्लेटों के बीच स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार आप लोग फिर से डायग्राम देख सकते हैं, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो EA प्लस क्या हो जाएगा, EB। अब EA का मान समीकरण एक से रखेंगे तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और EB का मान भी रखेंगे समीकरण दो से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। हर बराबर हैं तो भैया अंश को जोड़ देंगे, एक सिग्मा जोड़ के क्या हो गया, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो E बराबर आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो जो प्लेटों के बीच बिंदु P है उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी इस पे जो परिणामी होगी वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग निकालते हैं, तो डी स्टूडेंट प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाल लिए ना, तो इसी प्रकार हम लोग प्लेट के बाहर स्थित बिंदु पी डैश पे निकालेंगे। तो इस बार क्या निकालेंगे, प्लेट के बाहर स्थित बिंदु पी डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मानते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो परिणामी घट जाएगी, EA माइनस EB हो जाएगा। EA का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट था, EB का मान भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो ये दोनों घटा दिए गए तो परिणामी क्या हो गई, 0। समान संख्या में से समान को घटा दिया जाए तो परिणामी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस प्रकार प्लेटों के बाहर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी, और प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो आई होप वीडियो आज की आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम आपके कमेंट को जवाब देंगे, ठीक। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट, और पढ़ते रहिएगा आप लोग।